हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है जॉब की जानकारी यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे यूपीपीसीएल कैंप असिस्टेंट के पेपर को हम डिस्कस कर रहे थे, और ये जो पेपर था ये मार्च 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रॉपर क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, जहाँ पर हम लोग ने ऑलरेडी इसके 3 पार्ट कम्प्लीट कर दिए हैं। और आज की ये वीडियो होने वाली है इसके पार्ट 4 की, जिसके अंदर आज हम देखेंगे रीजनिंग के 45 क्वेश्चंस, ठीक है, उसके आंसर्स देखेंगे। प्लस इसके अलावा बता दूं कि अगर आपको इसके बाकी के पार्ट्स देखने तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे इसके तीनों पार्ट्स मिल जाएंगे। प्लस इन तीनों वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि इसकी PDF कैसे मिलेगी आप लोग को, ठीक है। तो एक चीज़ बता दूँ कि इसकी जो PDF है वो हम अपनी वेबसाइट पे जल्द ही अपलोड कर देंगे। वहाँ पे हम लोग ने इसके जनरल स्टडीज़ की PDF अपलोड कर दी है, आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर की PDF भी अपलोड हो जाएगी, प्लस रीजनिंग हिंदी की भी अपलोड हम लोग वहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं रीजनिंग के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे मार्च 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये पूरा रीजनिंग सेक्शन है, तो हिंदी इंग्लिश आपको दोनों ही समझ में आ जाएगी। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इन लेटर से कौन सा, मतलब इन वर्ड से कौन सा एक लेटर बन सकता है, तो इसका जो आंसर है वो डायरेक्शन है, ठीक है, यानी कि डी सेक्शन इसका आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सीरीज़ है इसको आपको सॉल्व करना होगा। आंसर यहाँ पर वो मेंशन है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आप लोग को आइडिया दे दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि दो दो के गैप में आपको ये सब करना होगा, ये पूरा मैंने बता दिया है, आपको यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप देख लीजिए, मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं बिल्कुल, बिकॉज इससे टाइम वेस्ट होगा एंड वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर देख सकते हैं, जैसे इसका आंसर आप ओरिएंटेशन आएगा, वर्ड बनेगा, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 1 है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट पैटर्न बताना है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये सी वाला रहेगा, ये वाला, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे वही सीरीज चल रही है, आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आंसर आएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका सी दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पर देखें ये सब, यहाँ से गैप आप देख लीजिए, पहले नंबर के गैप आप मेजर कर लीजिएगा, इसके बाद यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं जिसका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी दिया है, ठीक है। सेवेंथ, यहाँ पे आप जानते हैं ब्यूटिशियन पार्लर में होता है, तो साइंटिस्ट कहाँ होता है, लेबोरेटरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ, यहाँ पे सेम आपको वो सारे इसके सिंबल्स चेंज करने, साइन चेंज करने, जिससे कि आपका ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप वीडियो पॉज कर करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा और एक एक सॉल्व नहीं कराऊंगा, बिकॉज इसके आंसर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप इनको खुद सॉल्व करिएगा, जिससे कि आपकी स्पीड बूस्टअप हो जाए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट होती है स्पीड, कि आप दिए गए समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा सके। यहाँ पे पूरे 45 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, प्लस PDF भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा कि PDF कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए। जैसे PDF हम लोग अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, हम वहाँ पर अपडेट कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि आप PDF प्रोवाइड कराइए, प्लीज़ PDF दीजिए। तो इसकी जनरल स्टडीज़ की जो PDF है वो अपलोड कर दी है, बाकी कंप्यूटर हिंदी रीजनिंग इन तीनों की वीडियो आ गई हैं, ठीक है, इनकी PDF जल्द ही अपलोड कर देंगे। लास्ट में अभी आपका इंग्लिश सेक्शन और बचा हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर वीडियो हम लोग शायद ना बनाएं, उसकी डायरेक्ट मैं PDF अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका मार्च 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था UPPCL कैंप असिस्टेंट का, उसके आपको प्रॉपर क्वेश्चंस सारे सब्जेक्ट के, सारे सेक्शन के मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 है, इसके अंदर यहाँ पे कौन सी आपका वो फिगर रहेगी, ठीक, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब रीजनिंग के, ये सब आप लगा ही लेंगे, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो अगर बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी हटाता चल रहा हूँ।
यहाँ पे जैसे कि ये नेक्स्ट फिगर कौन सा आएगा ये आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन देखते हैं, ये 18 क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्या आएगा, करेक्ट आंसर दिया हुआ है, आपको बस प्रोसेस देखनी है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आप UPPCL के कोई और जो बाकी के एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि JEE हो गया, AEE हो गया, ठीक है, ARO, फिर आपका PO हो गए, अगर आप UPPCL के एग्ज़ाम देते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं UPPCL के हर एक एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग को अपलोड करता रहूँगा, उसके ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा, प्लस PDF भी प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं कैंप असिस्टेंट का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम मार्च में हुआ था आप लोग को पता है, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका जुलाई के लास्ट में होने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग ने लेटेस्ट PDF अपलोड करा दी है, ये पूरा पेपर उसी का है। इसके बाद जो आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा इसका जो आंसर की आएगा वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करा देंगे। ठीक, और एक चीज़ और बता दूँ बच्चों कि यहाँ पर UPPCL के कौन कौन से जो एग्ज़ाम्स हैं जिसके पेपर हमारे पास अवेलेबल हैं, PDF अवेलेबल है प्रीवियस पेपर्स की, उसके ऊपर मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी भर्तियों के पेपर्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो उसमें आप देख लीजिएगा UPPCL की, फिर वहाँ पर जाके आप कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सी नेक्स्ट भर्ती के आपको पेपर्स चाहिए। ये आपका 24 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये आपका 25 क्वेश्चन है। ठीक, इसमें से आपको डिफरेंट फिगर बताना है कौन सा डिफरेंट रहेगा, तो यहाँ पे सी आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 26। नेक्स्ट 27। ठीक, इसमें ऑड वन आउट पहचानना था। ठीक है, तो हिंदी है तो परेशान मत होइएगा, ये रीजनिंग है तो आप इसमें आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका ब्लड रिलेशनशिप का आ गया, इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। ये 30 क्वेश्चन। ठीक है, ये भी ब्लड रिलेशन का ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये 31 क्वेश्चन, इसमें ऑड वन आउट पहचानना है। ठीक है, तो ऑड वन कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर ए वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 32। नेक्स्ट 33, इसमें भी ऑड वन आउट पहचानना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट 34, तो ये फिगर का क्वेश्चन है, इसमें भी सेम, कौन सी फिगर डिफरेंट है वो पहचानना है। ठीक, नेक्स्ट 35। नेक्स्ट 36। PDF के लिए परेशान मत होइएगा बच्चों, PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मैं हर वीडियो में कहता हुआ आया हूँ कि PDF आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पे, तो परेशान मत होइए, बस थोड़ा सा समय दीजिए, हम लोग प्रॉपर PDF आपको दे देंगे। जितना भी आप वीडियो में देख रहे हैं एक एक क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, और कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम था उसके जो क्वेश्चन थे वो हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल कराई है वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिएगा आप वो क्वेश्चंस। ठीक है, उनकी भी PDF मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों ही अलग अलग लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट 38 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको नेक्स्ट नंबर बताना है। ठीक है, कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा नेक्स्ट। फिर 39 क्वेश्चन, फोर्टी, नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, इसमें आपको ये वाली फिगर बतानी है। ठीक है, जिसका आंसर आपका ये सी वाला रहेगा। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन,
नेक्स्ट 43 क्वेश्चन। हिंदी आसानी है, आप समझ ही जाएंगे क्योंकि नॉर्मली लिखा हुआ है, ठीक है। कोई ऐसा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा हिंदी है, रीजनिंग है तो रीजनिंग में आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट ही देखने होते हैं, इसी से पहचान जाएंगे। इसलिए हमने खाली कंप्यूटर का ही इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे, क्योंकि कंप्यूटर के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हिंदी वाले बच्चे तो समझ आते हैं लेकिन इंग्लिश में समझना मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ पर हम लोग ने दोनों लैंग्वेज रखी थी। रीजनिंग में हमने दोनों लैंग्वेज इसीलिए नहीं रखी है क्योंकि इसके आप आसानी से समझ सकते हैं, तो इंग्लिश वाले माध्यम के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया, 45 क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। और अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, तो मैं पहले फिर से बता दूं कि पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम आपको अपडेट कर देंगे जैसे ही पीडीएफ अपलोड होगी। अब मैंने यहाँ पे चार पार्ट लिया है जिसमें कंप्यूटर कवर हो गया है आपका, ठीक है, आज रीजनिंग कवर हो गया आपका, प्लस हिंदी भी कवर कर चुके हैं, और इसके अलावा आपका जनरल स्टडीज़ बचा था उसकी पीडीएफ हमने डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब लास्ट में जो बचता है वो बचता है इंग्लिश का, ठीक है, तो इसकी वीडियो अगर मन होगा तो हम लोग बनाएंगे, ठीक है, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट इसकी पीडीएफ फाइल अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, ठीक है, आप डायरेक्ट वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। तो ये सब हैं, और इसके अलावा अगर आप किसी और एग्ज़ाम के पेपर्स चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है, जिससे अगर हमारे पास अवेलेबल होंगे तो हम प्रोवाइड करा देंगे। प्लस जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं उसकी प्रॉपर डिटेल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ फाइल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आप इन दोनों के बारे में चाहते हैं इन्फॉर्मेशन तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।